Hi guys, welcome back to my channel. मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारे टी गार्डन्स. तो ये सब हमारे टी गार्डन्स हैं और इससे हम अपनी ऑर्गेनिक चाय पत्ती बनाते हैं. तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे तोड़ी जाती है चाय पत्ती. इसके जो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट पेटल्स होते हैं, लीफ पेटल्स, वो तोड़ते हैं हम. जैसे कि ये, इनसे हम चाय पत्ती बनाते हैं. इनकी कटिंग की जाती है हर सीजन में ताकि इसके जो ये छोटी ही रहे ग्रोथ इनकी और जो पेटल्स आए इनके बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट आए. ये जो पेटल्स हैं ये देख सकते हैं, ये वाले जो हमारे आते हैं काम चाय पत्ती बनाने के लिए. इसका प्रोसीजर बहुत सारा होता है, आगे भी बहुत है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे. हाय मम्मी. हाय. ये मम्मी मेरे चाय पत्ती तोड़ते हुए. तो चलिए अब देखते हैं डैडी क्या कर रहे हैं. हाय डैडी. आप चाय पत्ती तोड़ रहे हैं. आप ही हमारे घर में ऐसे हैं जो चाय पत्ती पीते हैं ये वाली. तो आप बताइए हमें कि आपको कैसा लगता है इसका टेस्ट. इसका टेस्ट सुपर डुपर, बहुत ही बढ़िया. जो दुकान से खरीद के लाते हैं हम, उससे कई गुना बेहतर ये चाय होती है जो अपने घर की बनाई हुई होती है. जी ये जो भी आप देख रहे हैं ये इसके बीज होते हैं जिससे कि चाय पत्ती लगती है. और यही बीज नीचे गिर के इससे न्यू चाय पत्ती के पेड़ बन जाते हैं. अब इन लीव्स को लाने के बाद हम इन्हें थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देते हैं ताकि इनके लीव्स थोड़े से मुरझा जाएं. एंड इसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसीजर चलेगा. ये जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ये सिर्फ स्पेशल चाय पत्ती बनाने के लिए ही यूज़ करते हैं हम इसे. इसको बहुत ही अच्छे से घिसना पड़ता है. हमें इन लीव्स को तब तक मलना है जब तक इसमें झाग ना आ जाए. ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर झाग बन रहा है. फिर इसके बाद हम इसे एक गोला बना के रख देंगे एंड ओवरनाइट इसे ऐसे ही रहने देंगे. फिर इसके बाद मॉर्निंग में इसका नेक्स्ट प्रोसीजर चलता है. तो अभी हमारा ये गोला तैयार है, हम इसे अब ऐसे ही रहने देंगे ओवरनाइट. तो अभी मॉर्निंग में हमने इसे धूप में रख दिया है. इसे अच्छे से खोलना पड़ता है. आप देख सकते हैं इसमें कलर चेंज हो चुका है ओवरनाइट ही. अभी इसे हम धूप में रख के पूरा ड्राई करेंगे. We'll be right back.
अब हम इसमें थोड़े से रोज पेटल्स भी डालेंगे ताकि जब चाय बनाएं तो इसमें थोड़ा सा रोज का फ्लेवर भी हो। तो अभी चाय पत्ती हमारी तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितनी क्रंची है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।